ट्रक का एक पहिया हमेशा उठा हुआ ही क्यों रहता है, और हमारे मोबाइल में एक ऐसा सेटिंग है जिसको करने के बाद आपके मोबाइल का चार्जिंग बहुत फास्ट होगा, और कोरोना का वैक्सीन इस दुनिया में सबसे पहले किस व्यक्ति को लगाया गया था, और अवतार मूवी में आप जो इस नीले जीप को देखते हो ये जीप असल में हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इस जीप का नाम क्या है और ये जीप कहाँ पाया जाता है ये सभी चीजों के बारे में पता चलेगा आपको इस वीडियो में। और कैसे अगर आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देख लेते हो ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बिना रह नहीं पाओगे। नंबर 20, अवतार मूवी का यह नीला जीप असल में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। 1947 से पहले भारत में यह जीप अंडमान निकोबार में पाया जाता था। और यह जीप इतना शक्तिशाली होता था कि किसी को भी अपने पंखों पर उठाकर उड़ सकता था, और इस जीप का नाम बुलबुल हुआ करता था। नंबर 19, आपने टाइटैनिक शिप के बारे में तो सुना ही है, लेकिन उस शिप में चार बड़ी बड़ी चिमनियां थी जिसमें से सिर्फ तीन से ही धुआं निकलता था और चौथा चिमनी नकली था, और इस चिमनी को इसलिए लगाया गया था ताकि जहाज का बैलेंस बिगड़े ना। नंबर 18, दुनिया का सबसे बड़ा मुंह इस व्यक्ति के पास है। इनका नाम है फ्रांसिस्को डोमिंगो और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। इनका मुंह कितना बड़ा है आप इस बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि इनके मुंह में कैन भी फिट आ जाएगा। नंबर 17, अमेरिका में जो होटल है ना उनमें से 40% होटल के मालिक इंडियन है, और उन 40% इंडियन में से 70% इंडियन गुजराती है, इसीलिए कहा जाता है कि गुजरातियों के जेब में पैसे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर 16, अभी जो हमारे गाड़ियों में यूज होने वाला डीजल है इसका इन्वेंट रूडोल्फ डीजल ने किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीजल इन्वेंट करने के कुछ समय बाद रूडोल्फ डीजल ने आत्महत्या कर ली, और रूडोल्फ डीजल ने आत्महत्या इसलिए किया था कि उनको लगता था कि डीजल का कुछ काम नहीं है, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज हम सभी लोग जानते हैं कि डीजल का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 15, क्या आप लोगों को पता है कि शनि ग्रह का वजन इतना हल्का है कि शनि ग्रह का अगर पानी में डुबाया जाए तो शनि ग्रह डूबेगा नहीं बल्कि पानी में तैरता रहेगा। इस फैक्ट से ही आप अंदाजा लगा लो कि शनि ग्रह का वजन कितना कम है। नंबर 14, नॉर्वे में क्रिसमस के दिन लोग अपने झाड़ू को छुपा के रखते हैं। नॉर्वे के लोग ऐसा मानते हैं कि क्रिसमस के दिन शाम को गंदी सामान और गंदी वस्तुएं उड़ती है, और इसलिए नॉर्वे के लोग ऐसा मानते हैं कि ये सभी गंदे चीजें झाड़ू के साथ घर में आ जाती है, और सिर्फ इसलिए नॉर्वे के लोग घर के बाहर से झाड़ू नहीं रखते, इससे उन लोगों के घर के अंदर गंदी चीजें नहीं आती। नंबर 13, रॉबर्ट विक नाम का एक क्रिमिनल पहले तो जेल से भाग गया था, लेकिन भागने के कुछ देर बाद ये व्यक्ति फिर से जेल के अंदर आ गया, और जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम तो भाग गए थे लेकिन फिर से जेल में क्यों आए, उसके बाद इसने बताया था कि बाहर बहुत ठंड थी इसलिए ये दोबारा जेल आ गया। नंबर 12, ट्रिपल आर मूवी का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 223 करोड़, और इतने पैसे कमाकर ट्रिपल आर मूवी ने बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया था, और इस दौरान ट्रिपल आर मूवी ने एक रिकॉर्ड भी बना लिया। ट्रिपल आर मूवी पहले ऐसा इंडियन फिल्म बना जिसने की पहले दिन पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कमाए। नंबर 11, साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियां अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाते। साइकोलॉजी के मुताबिक लड़कियों का पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, लेकिन उसके बाद लड़कियों की जिंदगी में जितने भी लोग आए उन सभी को भुलाने में लड़कियों को ज्यादा समय नहीं लगता। नंबर 10, ये ट्रिक पढ़ाई करने वाले बच्चों को बहुत काम आएगी। उसके साथ साथ जिन जिन लोगों को भी पढ़ाई करते टाइम नींद आ जाती है खास करके ये ट्रिक उनके लिए ही बनी है। तो गाइस अगर आपको नींद आ रही है और आपको फिलहाल सोना नहीं है तो आपसे जितनी देर हो सके उतनी देर अपनी सांस को रोक के रखना। आपको पूरी सांस अंदर तक लेनी है और सांस को मैक्सिमम टाइम तक रोक के रखना है, और जितनी देर हो सके उतनी देर रोक के रखने के बाद सांस को छोड़ देना। ऐसे आपको नींद नहीं आएगी और आपकी नींद उड़ जाएगी। तो गाइस कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, क्या आपको पता था कि भारत ने किसी भी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया? आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा। कैसे पता होगा आप लोग तो मेरे वीडियोस को देखते ही नहीं हो। भारत ने अपनी 10,000 सालों के इतिहास में कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया। अगर कोई दूसरा देश पहले हमला करता है तो उसके बाद ही भारत अपना जवाब देता है, इसलिए तो भारत देश से महान। तो गाइस इंडिया के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 8, उमर बोरगान अरगला, ये व्यक्ति सऊदी अरेबिया का रहने वाला था, और सऊदी अरेबिया ने इस व्यक्ति को अपने देश से निकाल दिया, और सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने इनको इसलिए निकाला था कि ये बहुत खूबसूरत थे, और सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट का मानना था कि इनको देखकर सऊदी अरेबिया के लेडीज का दिल फिसल सकता है, इसलिए सऊदी अरेबिया ने इनको अपने देश से निकाल दिया, और अभी फिलहाल ये कनाडा में रहते हैं। नंबर 7, आप कितना भी याद कर लो लेकिन आपको कभी भी ये याद नहीं आएगा कि आपने नींद में जो सपना देखा था उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। ऐसा ज्यादातर लोगों के साथ ही होता है, लोग सपने तो देख लेते हैं लेकिन सपना कहाँ से शुरू हुआ था ये याद नहीं रहता, क्योंकि हम जब सपने देखते हैं वो सपने बस एकदम से ही शुरू हो जाती है। सपना कोई पहले से शुरू नहीं होता, बस एकदम से कोई घटना सपने में आ जाती है। नंबर 6, पोलोनियम 210 अगर नमक के छोटे कोण जितना भी अगर किसी इंसानों के शरीर पर चला जाए तो पल भर में उस इंसान की मौत हो सकती है। इसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इसे खाने के साथ मिला दे तो इसके स्वाद का पता ही नहीं चलता। नंबर 5, मिसोफोनिया एक मानसिक बीमारी होती है जिससे पीड़ित लोगों को छोटे से छोटे आवाज सुनते ही गुस्सा आ जाता है, और छोटा मोटा गुस्सा नहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे कोई अगर जोर से सांस भी लेता है या फिर खाने को चबा कर खाता है तो इससे होने वाले छोटे आवाज से भी उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या आपको भी मामूली शोर शराबे से परेशानी होती है? अगर होती है तो समझ जाना आपको मिसोफोनिया है और आपको जल्दी से इलाज करवाना चाहिए। नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है? तो अगर आप अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड इन सभी देशों के बारे में सोच रहे हो तो आप एकदम गलत हो। दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट जापानीज पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट से आप दुनिया के 193 देशों में से 190 देशों में घूम सकते हो, वो भी बिना वीजा के। और वही हमारा इंडिया का पासपोर्ट रैंक है 150, और हमारे इंडिया के पासपोर्ट के साथ आप 26 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो। नंबर 3, मोबाइल का एक
ऐसा सेटिंग जिसे करने के बाद आपके मोबाइल का चार्ज बहुत ज्यादा फास्ट होगा। हम सभी के मोबाइल में एरोप्लेन मोड तो होता ही है और उस एरोप्लेन मोड को ऑन कर देने से हमारे मोबाइल का ट्रांसमीटर ऑफ हो जाता है और इस दौरान आपका मोबाइल तेजी से चार्ज होने लगता है। तो गाइस अगली बार से आपको अगर मोबाइल जल्दी से चार्ज करना है तो आप मोबाइल को एरोप्लेन मोड को ऑन करके रिचार्ज पर लगाना। नंबर 2, क्यों आपके बाल खड़े होने पर आपको भाग जाना चाहिए। दरअसल आपके बाल अगर अचानक खड़े हो जाए तो आपको उस जगह से भाग के किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि आपका बाल अगर अचानक खड़े हो जाए तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर बिजली गिरने वाली है। तो इसलिए आपको अगर आपके ऊपर बिजली नहीं गिराना है तो आपको किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। नंबर 1, ट्रक का एक पहिया हमेशा उठा हुआ ही क्यों रहता है। दरअसल ट्रक का एक पहिया हमेशा ही उठा हुआ नहीं रहता। जब भी ट्रक में लोड ज्यादा होता है तो ट्रक का पहिया हमेशा नीचे ही चलता है, लेकिन अगर ट्रक के ऊपर लोड ज्यादा नहीं है तो ट्रक का पहिया को ऊपर उठा दिया जाता है। इससे ट्रक में फ्यूल थोड़ी कम मात्रा में जाती है और फ्यूल बचाने के लिए ट्रक का ड्राइवर ट्रक का एक पहिया हमेशा उठा हुआ ही रखता है। तो इस वीडियो को तो देख लिया, लेकिन अगर आपको जानना है कि बिस्कुट में होल क्यों होता है तो इस वीडियो में क्लिक करो। और भी आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानने मिलेगी, बहुत सही वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आगे भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दो। तो मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।